Thank you. श्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पतान शृण्वन्नतिभिस्सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्येव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अमृत्वामरसन्ददामि भगवद्गीते नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दाय तवत्र नेत्र येन त्वया भारतदैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय गोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो गोपालनन्दनः पार्थोत्सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महद् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणोरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीकृष्ण गोविन्द हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हरिओम हरिओम।
जीवन में जिस चीज की आवश्यकता बहुत होती है, कभी कभी हमें उसकी इच्छा कम होती है, और जिसकी आवश्यकता नहीं होती उसकी इच्छा ज्यादा होती है। गीता में शरणागति की आवश्यकता पे बहुत ही ज्यादा बल दिया गया है। भगवान ने यहाँ तक बोल दिया सातवें अध्याय में, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। बोले जो हमारी ही शरण में आता है उसकी ही माया दूर होती है। हमें धन की आवश्यकता का अनुभव होता है, लोगों की आवश्यकता का अनुभव होता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए एक विशेष परिस्थिति चाहिए, एक विशेष मनस्थिति चाहिए, एक विशेष शांति चाहिए, एक विशेष धैर्य चाहिए। जिस क्वांटिटी में धैर्य चाहिए होता है ना, वो नहीं होता अपने पास। जिस क्वांटिटी में प्रेम चाहिए होता है, वो नहीं होता है। अगर आप अपने जीवन को थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो आपको लगेगा कि हमें अमुक परिस्थिति में थोड़ा सा धीरज और रखना चाहिए था। जहाँ परेशान ज़्यादा हुए वहाँ धैर्य बोलिए कम हो गया, हम आकुल हो गए, व्याकुल हो गए, थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर गए, ज़्यादा बोल गए, जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा बोल गए, ज़्यादा दुखी हो गए, ज़्यादा डर गए, ज़्यादा घबरा गए। देखिएगा ज़्यादा ज़्यादा किसी से मांगने लगे। अब आप जब मुड़ के देखते हैं तो आपको लगेगा इतनी ज़रूरत नहीं थी। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुःख सुखम धीरम, बोलिए स्वअमृतत्वाय कल्पते। लेकिन जिस धीरता की आवश्यकता है वो आप खुद नहीं पैदा कर सकते, हम बस इस पे आना चाहते हैं। मन में जो दैवी संपत्ति की आवश्यकता है आप उसको अपने बल से नहीं पैदा कर सकते, और मन में जो बुराई है आप उसको अपने बल से नहीं हटा सकते। ठीक है, एक कोई व्यक्ति था तो उसको किसी ने जल्दी उठा दिया, सुबह 3-4 बजे, तो पता लगाया गया किसने उठाया, साधक था मतलब, तो उसको पता लगाया उसको पाप ने उठा दिया 3-4 बजे, पाप ने, हाँ पुण्य ने नहीं, पाप ने, हाँ पापा जी ने नहीं, पाप ने। तो पूछा गया भाई पाप को बुलाया गया है, पाप का भी एक शरीर होता है, बुलाया गया भाई इधर आओ, तुमने क्यों उठा दिया उस साधक को। बोले कल देर से उठा था वो, कल सुबह 7 बजे उठा था। तो बोले तब तो अच्छी बात थी। बोले हमको भी लगा ऐसा, लेकिन दिन भर ग्लानी में था, क्योंकि ग्लानी में था इसलिए हमको बहुत कष्ट हो रहा था, इसलिए हमने जल्दी उठा दिया, जिससे आज दिन भर अभिमानी रहेगा और हम फूले फलेंगे। जो सद्गुण है वो अहंकार के बहुत पक्के दोस्त हैं साहब, ध्यान दीजिएगा, गुड क्वालिटीज आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अहंकार। बोले हम कभी एकादशी छोड़ते नहीं हैं, कोई पूछ कौन रहा है, बस सुबह जो है 4 सिंघाड़े का हम रोटी लेते हैं, और दोपहर में ज़्यादा कुछ नहीं, बस साबूदाना का खीर बना लेते हैं,
अच्छा हाँ, आपसे पूछा किसने ये सब? बोले हम कभी भी हम जो है प्याज नहीं लेते, प्याज लहसुन कभी नहीं खाते, इवन जब नॉनवेज खाते उसमें भी नहीं डालते। तो जो आप अच्छे आपने गुण लिए हैं, अहंकार के बहुत पक्के दोस्त हैं, अहंकार से बचना बहुत ही मुश्किल है, क्रोध से बचना बहुत ही मुश्किल है। कोई है जिसके क्रोध वोध ना आता हो बताइएगा, बाद में हम दिलाएंगे। ये सब गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई, ये सब कोई आसान चीज है साधन वादन करना, अपने बल से हो जाएगा। हम बहुत करके देख चुके इसलिए बता रहे हैं आपसे। एक समय झक चढ़ी कि रात भर ध्यान करना चाहिए, उठ जाए 4 बजे, उम्र थी 20-22 साल, फिर लगेगा नहीं 3 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ गए ध्यान के लिए बैठेंगे, एकदम ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करके छोड़ेंगे आज की तारीख में। फिर 2 बजे उठ गए, आपको पता है 1 साल तक नींद ही नहीं आई। तब तो 1-2 बजे उठ रहे थे, अब 12 बजे भी नहीं नींद आ रही थी, उठें कैसे? बहुत कुटाई होती है मन की, रात भर क्या करें? फिर माला लेके जप करें, ठीक कर दिया भगवान ने, ठीक कर दिया। शरण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर की जो दैवी संपत्ति चाहिए, जितने क्वांटिटी में कोई गुण चाहिए साधना में, उसकी बहुत कम परसेंटेज हमारे पास है, और आप अपने बल से बहुत अधिक नहीं बना सकते। एक गुरु ही नहीं मिलता, बोले आपने हमारी नर्स पे हाथ रख दिया है। गुरु मिलता है तो श्रद्धा ही नहीं होती पूरी, गुरु के साथ रहने का संयोग नहीं बनता, समर्पण भाव नहीं आता। गुरु से वो के साथ हमें रहेंगे नहीं तो प्रेम नहीं मिल पाता, गुरु सेवा नहीं मिलती। मिल भी गई तो हम बात मानने की हमारे अंदर बोलिए क्षमता नहीं होती। हम चाहते हैं बात मानना, लिखता लगता है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है बात मानने। ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते, हम इतने बुरे नहीं हैं, थोड़े से हैं, लेकिन हमारे अंदर वो क्षमता नहीं होती। हमारी आसक्ति राग द्वेष अहंकार ज्यादा होता है। गुरु कभी कभी पढ़ाते ही नहीं ठीक से, हमें और पढ़ने की जरूरत है, और जानने की जरूरत है, संग चाहिए हमें, इतनी कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन चाहिए लाइफ में कि आप अपने बल से नहीं पैदा कर सकते। आसपास ऐसे लोग ना जो परेशान करें। ठीक बोल रहे ना, हाँ तो बोलिए आप। मंत्र जब भी नहीं पता होता कि माला इस उंगली पे रखें कि इस उंगली पे रखें, इस पे रखें, कहां रखें माला, ऐसे जब करें कि ऐसे करें, ऐसे ऐसे कि ऐसे ऐसे, इस तरफ जाए कि इस तरफ जाए। इस अच्छा जो माला है वो रुद्राक्ष की रहे कि तुलसी की रहे, एक मंत्र रहे कि बहुत ढेर सारियों की, हम तो 6 मंत्र जप करते हैं। अच्छा हाँ, सुबह सुबह ओम नमः शिवाय, दोपहर में श्री कृष्णा शरणम मम, उसके बाद शाम को ओम नमः भगवते वासुदेवाय, और रात में सोते समय ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडे विच्चे कर भी लेते हैं, सब कर लेते हैं। हमारे इष्ट कौन हैं? राम जी हैं कि कृष्ण जी हैं कि दोनों ही हैं? दोनों ही अच्छे लगते हैं, सभी अच्छे लगते हैं राधर,
क्या जरूरत इष्ट की? पूजा कैसे करते हैं? पहले आह्वान है कि पहले विसर्जन? हम तो पहले विसर्जन कर देते हैं, बाद में आह्वान कर देते हैं, बस इतना ही कंफ्यूजन है, बाकी तो सब क्लियर है। और तो सब क्लियर था लग रहा है। अच्छा, जब जल से स्नान कराते हैं तो क्या स्तोत्र पाठ करते हैं उस समय? अगरबत्ती कितनी लगाते हैं? दो लगाएं कि एक लगाएं? एक ने तो काट दिया अपनी अगरबत्ती, इतनी लगाया। नैवेद्य में क्या चढ़ाते हैं? कौन सा फूल चढ़ता है? क्यों क्यों ना करें पूछो तो नुकसान क्या है? ठीक ठाक तो है। बहुत से प्रश्न है, यू कांट हैंडल इट। छोड़िए आप भगवान की बात, छोड़िए हम आपके संबंध की बात करते हैं। पति के साथ कैसे रहा जाए कि हम परेशान ना उनसे, यही नहीं पता। पत्नी के साथ कैसे रहे कि आसक्त ना हो, यही नहीं पता होता। छोड़िए पति पत्नी की बात, क्या हम करें, अपने मन को कैसे ठीक किया जाए? इतने प्रश्न होते हैं आपके पास, 6 दिन के यज्ञ में कैसे सब पूरी होगी बात? बोले नहीं, अभी तो 12 बजे हमारी फ्लाइट है, 11 बज रहा है स्वामी जी। हाँ, आप बताइए ध्यान कैसे करते हैं? हमने कहा चाय लोगे की कॉफी? क्या ध्यान वान करना यार, बढ़िया कॉफी लो, कैपेचिनो कॉफी मंगवाया जाए, एकदम हॉट हॉट। हाँ बढ़िया, उसमें फेन रहे ऐसे करके। अगर आप जाइए दक्षिण भारत में ना, ऐसे कॉफी करते हैं, ऐसे ऐसे। तो आप ये मत बोलिए उनसे कि हमें 1 कप कॉफी चाहिए, बोलिए 1 मीटर कॉफी चाहिए। कहें कितनी कॉफी? बोले 1 मीटर देना। पता नहीं आपने देखा, यहाँ तो नहीं है ऐसा ना, जब हम चेन्नई जाते हैं तो वहाँ ऐसा ही दे, यो एकदम मतलब सिद्ध है, इन लोग को ओलंपिक वगैरह में भेजना चाहिए। कहाँ परेशान हो यार, यहाँ पे ध्यानवान के चक्कर में कहाँ हो। एक बार ट्रेन में जा रहे थे तो कोई बगल वाली सीट में इधर लेटा हुआ, हमारी बर्थी थी, हमको देखा, कहा आप स्वामी जी हैं, गीता में क्या लिखा है? हमने कहा क्यों? बोले टाइम पास करना। हमने कहा मूंगफली खाइए। ये बस में जब जाते हैं ना तो मूंगफली नहीं बोलते, टाइम पास टाइम पास। बोले ठीक है जो भी कहिए, ऐसे नहीं होता। विषय इतने गंभीर है आपसे नहीं संभलेगा अकेले। एक चीज आप बताइए अपने जीवन की जो आप अकेले संभाल लेते हो, एक चीज। बेटे को, पति को, पत्नी को, हेल्थ को, मन तो छोड़िए, खैर बुद्धि को छोड़िए आप, अपने शेड्यूल को, अपने नियम को, एक नियम बताइए जो आपका जिंदगी भर टूटा ना हो। अगर आपका नहीं टूटा तो हम आपको सैल्यूट करते हैं। एक नियम बताइए, एक माला भी जब अगर आप रोज कर लेते हैं बिना ब्रेक किए 20 साल 21 साल, हम आपको सलाम करते हैं, एक माला बस। एक चीज इस जीव से नहीं संभल सकती, हम इस बात का दावा देते हैं। कोई हाँ नहीं बोलना है, एक माला, हम 10-20 माला की बात नहीं कर रहे हैं रोज। ये नहीं कि आजकल, बोले आजकल यज्ञ हो रहा है तो माला भी बंद हो गई हमारी, पूजा भी चली गई। अब आप जब चले जाएंगे स्वामी जी तो सब शुरू करेंगे जोर से, और जोर के साथ शोर से। हिंदी में हर चीज दो दो है, हाँ खाइए पीजिए, खाइए और पीजिए भी थोड़ा सा, हाँ जोर से और शोर से। जरा हंसी बोलिए, पढ़िए लिखिए, उठिए बैठिए, आइए जाइए। माया मतलब है कि चीज है, कुछ दिखती कुछ और है। अब आते हैं अपने विषय पे। देखो हर अध्याय में आप पता लगाना कि गीता में शरणागति कहाँ बोली गई। अगर आपको याद हो हमने 9वें अध्याय को देखा था, हमने 10वें अध्याय को कल देखा था, बोले हम तो आए नहीं थे, नहीं आए थे वो, सॉरी वो भूल गए, में दिखे थे आप। हाँ
हमने चौथी अध्याय को भी देखा था पहले दिन। अगर आप कोई बोलेगा कौन सा श्लोक था चौथी अध्याय में शरणागति वाला, बोले आप पूछिए मत, आप बस बोलते रहिए। हाँ, क्या था वो श्लोक चौथे अध्याय का? स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तो सिमे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम। तीसरा श्लोक था चौथे अध्याय का, तीसरे अध्याय का चौथा नहीं, चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक था। बोले हाँ, कुछ सुना सुना लग रहा है, सुना नहीं, सुना सुना है, खाली खाली लग रहा है। तो अब हम आपको आज ले चलते हैं आज के विषय पे, और शरणागति को पकड़िएगा। आप बाहर की परिस्थिति भी नहीं अपने आप हैंडल कर सकते, सबकी तबीयत घर में ठीक रहे, अच्छा ओ घर में कोई हमको कुछ बोले ना, हमको परेशान ना करे, अच्छा तो घर कहलाएगा वो, ओ सब लोग कमाते धमाते रहे, अच्छा सब लोग, अच्छा ये जो परिस्थिति है मनस्थिति है, जब तक कि ईश्वर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, आपको बहुत आप थक जाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आपके जीवन में जिससे आप थक गए हो, यू आर टायर्ड ऑफ दैट पर्सन, बोलिए मत क्योंकि वो भी आया यहां तो आप किसी व्यक्ति, किसी ने कहा पैर से हम थक गए, इतना दर्द होता है स्वामी जी, थक गए, थके क्यों बताया, उठा रहे थे आप थकते उससे हैं जहां पे आपका कर्ता ज्यादा होता है। आपका कर्ता नहीं है तो आप नहीं थकेंगे। सीता जी को खोजने में हनुमान जी नहीं थके, बाकी बंदर थक गए, क्योंकि सीता जी के अंदर अंगूठी थी, उसमें राम नाम था, रूप पर भगवान का हाथ था। इसलिए गीता में भगवान ने बोला मैया सक्त मनव पार्था योगम युजन मदाश्रय, आश्रय हमारा रखो, थकोगे नहीं आप। देखो अगली बात पे आते, परिस्थिति हम ढोते हैं परिस्थिति को, बोले आज का दिन निकल गया, थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं, इट वॉज इवेंट फ्री डे, ठीक सब ठीक हो गया, अच्छा हाँ। एक बार हम किसी की भिक्षा में गए, हाँ बॉम्बे में 20 साल पहले, जितने लोग बाहर थे ना सब अंदर भाग गए, जैसे हम राक्षस वगैरह हो, कुछ उन्होंने फल वल रखा और सब के सब अंदर चले गए। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, हम यहां बैठे, कितना खाएं भाई फल। फिर हम अंदर गए, हमने दरवाजा खटखटाया, कोई आए नहीं। फिर हम अंदर गए, रसोई में 7 लोग लाइन से खड़े थे ऐसे, हमने कहा क्या हुआ, बोले बहुत डर लग रहा है। हमने कहा हम वेजिटेरियन हैं, हम शाकाहारी हैं, हम खाते नहीं किसी को। बोले कुछ गलती हो जाए तो आप श्राप पाप दे दें, हमें नहीं, हम श्राप पाप नहीं देखते, पता नहीं देख काम करेगा भी कि नहीं, आप चिंता मत करिए, हम श्राप पाप किसी को नहीं देते, ले आइए। फिर उन्होंने, हम जो सेब लिए थे हमने काट के उनको खिलाया, जैसे कि हम उनको भिक्षा दे रहे हो। फिर हमने खिलाया तब उनको लगा कि ये नॉर्मल है। हमने कहा इतना क्या डरने की बात है भाई। अब हम आते हैं शरणागति अप्रपत्ति के विषय में, जिसके बाद भगवान ने 7वें अध्याय में कौन सा श्लोक है, 14वां दैवी ईर्षा गुणमयी है, हाँ 14वां हाँ। बस गीता तो आप अपने पास लेके रखा करिए, उनके साथ तो आपको बैठना उठना, माँ है ना मेरी, उनकी गोद में रहना चाहिए, माँ से बात करिए, उनकी बात सुनिए, छोड़िए नहीं, रोज पढ़ना ही है भगवद गीता 5 श्लोक, उसके बिना आपको खाना नहीं खाना है। बोले नाश्ता कर सकते नहीं, तो आपको 5 श्लोक पढ़ना है,
अगर नहीं पढ़ते तो कम से कम छू लीजिए आप भगवद गीता को। आप तो भगवद गीता को अपने पास रख के सोइए, हम तो यहां तक बोल देते हैं। ऐसे बच्चा मां के पास सोता है वैसे हम गीता को पास रख के सोएं। चिंता मत करिए, पवित्र पवित्र हो जाएंगे आप। उसमें बल है। एक बोले मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरंती थे। अर्जुन देखो बात ऐसी है, तुमसे सुनाते हैं एक बात। जो मेरी शरण लेते, ऐसे नहीं बोला, जो मेरी ही शरण लेते, ही में ही सारा दम है, मतलब मुझको ही पकड़ते हैं। पकड़ने का मतलब क्या होता है, अब इसको हम थोड़ा सा इसका विवरण करेंगे, विस्तार करेंगे, चले ना। आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, अगर हो रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम बोलते चले जाएंगे। नहीं नहीं, हम परेशान नहीं करेंगे आपको। देखिए, हमारे पास बहुत सा बल होता है, धन बल है, जन बल है, परिवार बल है, शैक्षणिक योग्यता का बल है, घर का बल है, संबंधों का बल है। इन सब बल से शांति नहीं आती। फिर से बोल देते हैं, धन बल है, पावर ऑफ मनी है, पावर ऑफ कॉन्टैक्ट है, पावर ऑफ रिलेशन है, पावर ऑफ एजुकेशन है, पावर ऑफ बॉडी है। WWF में भी गए थे? अच्छा, हाँ अच्छा, लड़ने गए थे? नहीं, हम देखने गए थे, वो तो राउंड देंगे, राक्षस हैं उन लोग, वो तो ऐसे फेंक देंगे, मुड़ जाएंगे कहीं पे। तो हमारे पास ये सब बल होता है, ये सब के सब बल आपको न सुख देंगे न सुरक्षा देंगे, पता नहीं कब चले जाएं। एक बहुत बड़ा बल है जीवन का, उसका नाम है विश्वास का बल। आप करके देखिएगा, ये लेबोरेटरी में नहीं होगा। एक ईश्वर है, वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिशाली है, और हमारा लक्ष्य है उस ईश्वर को हम अपने लिए कुछ बनाएंगे। ईश्वर में जो बनने की सामर्थ है, इसका नाम है विश्वास का बल। आप लोग, हमने कई बार बोला, कोंकणी में प्रार्थना करते होंगे, अमेरिकन इंग्लिश में करता होगा, कई लोग शायद संस्कृत में करते हो, कोई मराठी में करता होगा, कोई स्पेनिश में करता होगा, कोई फ्रेंच में करता होगा, कोई चाइनीज में करता होगा। आप बताओ, जो चाइनीज में प्रार्थना करता है उसका भगवान चाइनीज में जवाब देता होगा? पकड़ रहे हैं? संस्कृत में नहीं बोलता। जो मराठी में करता होगा उसकी भगवान मराठी में जवाब देता होगा। जो तमिल में करता होगा उसका भगवान तमिल में जवाब देता होगा। आप बताओ, आपकी विश्वास से ईश्वर कुछ बनता है कि नहीं बनता है? गीता में श्लोक कहाँ आता है? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। बोलिए, आप स्पीकर है कि हम? वेरी गुड, वो तो आ गया। एक और श्लोक आता है जो आप सब जानते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसके पहले का बोले आप परेशान क्यों कर रहे हैं हमें, हम सीधे साधे आदमी हैं। अजो पिसन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो पिसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी डिटेल नॉलेज अ डेंजरस थिंग। संभवामी आत्म माया, युगे युगे नहीं, हमको पता था युगे युगे आने वाला है। संभवामी आत्म माया, युगे युगे अगले में है और सारी भगवान बनते हैं, हमारे अंदर विश्वास है। भगवान कहाँ है? सर्वव्यापी है, यहां भी है, आपके मन में भी है। हाँ तो बोलिए, आप जो मूर्ति है वहां भी है, शिवलिंग है वहां भी है। अच्छा, इस माइक में भी है। हाँ,
सब जगह भगवान है, बिल्कुल है, आपके मन के अंदर भी है, बिल्कुल है। अगर मन के अंदर ईश्वर है तो उस मन के अंदर वो ईश्वर हमको सुनने वाला, हमसे बोलने वाला, हमको सांत्वना देने वाला नहीं बन सकता। अगर नहीं बन सकता तो ईश्वर ही नहीं है वो भाई, वो असमर्थ है। नरसिंह भगवान का अवतार क्या कैसे हो बताइए। जब प्रहलाद जी ने कहा कि खम्भे में भी भगवान है, तो ऐसा हुआ क्या कि विष्णु जी खम्भे में बैकुंठ से आए हैं, फिर सेट किए, थोड़ा मेकअप वगैरह किए, उसके बाद फिर निकले बाहर? ऐसा नहीं हुआ। सत्यम विधातुम निज वृत्त भाषितम, वहां श्लोक यह आता है कि अपने प्रिय भक्त की बात को सच करने के लिए वो खंबा ही, खंबे में जो अव्यक्त ईश्वर था वो व्यक्त हो गया उनके उसी रूप, जिसकी रूप की उस भक्त को इच्छा थी, उसके सामने उस खंबे से राम जी की तरह नहीं निकले भगवान। ऐसा नहीं निकला, वै प्रगट कृपाला दीन दयाला प्रहलाद हितकारी, ऐसा नहीं है आईश्वर। वो सौम्य रूप में नहीं थे, मुस्कुरा नहीं रहे थे, हाँ सुंदर नहीं थे बहुत ज्यादा कि बहुत सुंदर लग रहे हो, हाँ इतना रुद्र रूप था, जो निकले वो फाड़ के खंभा और जो दहाड़ा उन्होंने, बाकी तो भाग गए, जितने लोग थे वहां सब के सब भाग गए। कुछ का तो एंजाइना अटैक हुआ, कुछ को हार्ट अटैक हुआ, कुछ वहीं गिरे, कुछ कुर्सी के नीचे छिप गए। उस रूप की अभिलाषा थी उस भक्त को, आप हमें बचा लीजिएगा। सारा दम जो है ना साधना का, वो ये है कि हमारा विश्वास ईश्वर को कुछ बनाता है कि नहीं बनाता है। और जो लड़ाई किया भगवान ने इनके साथ, मिस्टर एच के हिरण्यकश्यप, ही वॉज साइनिंग एज एच के शॉर्ट में इन बैंक अकाउंट्स, तो वो जो है उन्होंने उठाया, बहुत लड़ाई लंबी नहीं चली, यहां पटकाओ जो गुस्से में थे, और अब उनका नाखून बहुत ही बड़ा था जैसे कुछ लोगों का है, और उन्होंने क्या क्या ऐसे डाला, ऐसे नाखून ऐसे फाड़ा ऐसे, हाँ संतोष नहीं हुआ उनको, अंदर से अतड़ी निकाली, वेन्स निकाला, खून से लथपथ, और ऐसे 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 कर रहे थे, बड़ी बड़ी आंख थी और आग निकल रही थी आंख से, उन्होंने ऐसे निकाला, ऐसे ऐसे किया जैसे मैगी नूडल होता है ना, उसके साथ एक क्या डालते, टेस्ट मेकर, ये नहीं टेस्ट मेकर, हाँ वो तो डालते हैं ना, उसको डाला, ऐसे ऐसे किया भाई हम तो लेते नहीं, हमको पता नहीं, लेकिन देखते हैं देखते हुए, और जो ऐसे ऐसे किया, क्योंकि उनको वो भक्त उसी रूप को मांग रहा था कि आप रक्षा करिए मेरी। वो अधर्म मधुरम वाला नहीं था उनका, कि अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयन, वो रूप नहीं था उनका। अरे ब्रह्मा जी आए, बोले आप शांत हो जाइए, लक्ष्मी जी से कहा आप आइए, बोले हम नहीं जानते इनको। फिर सब प्रहलाद जी के पास गए, बोले तुम ही बुलाए उनको, शांत करो इनको, नहीं तो प्रलय कर देंगे ये, कई को तो मार दिया है। वो प्रहलाद जी जब पास जाते हैं, आप विष्णु पुराण पढ़िएगा, भगवान उनको गोद में बैठा के जैसे गाय चाटती है, वैसे भगवान ने अपने जीवा से उस बेटे प्रहलाद को चाटना शुरू कर दिया। ये ईश्वर है, आप क्या सोचते हैं मन आपसे ठीक हो जाएगा, आपका ध्यान लग जाएगा, आप गुरु को पकड़ लीजिएगा, आपसे अच्छा जप हो जाएगा, जिंदगी बीत जाएगी, कोई बताने वाला नहीं आएगा कि जप होता कैसे है। हम कहां से पकड़े गुरु, हमने अखबार में एडवर्टीजमेंट दिया, गुरु वांटेड कम फॉर इंटरव्यू, ऐसा तो नहीं होगा, हमने गुरु को रिजेक्ट कर दिया कि हम इतना पैसा दे देंगे तो गुरु अच्छा मिल जाएगा, अच्छा हाँ 10 लाख में ज्ञानी गुरु मिलेगा,
और अगर 1-2 लाख देंगे तो अज्ञानी गुरु मिलेगा, अच्छा हाँ 50,000 दे देंगे तो केवल गीता पढ़ाएगा आधा गीता, और 25,000 दे देंगे तो गलत पढ़ाएगा। और 10,000 देंगे, ऐसा तो है नहीं। 3 स्टेप जो है साधक के, तीव्र विश्वास, हल्का फुल्का कुछ भी काम नहीं करता दुनिया में। आप हमको बताइए, एक अवतार बताइए जहां विश्वास ना हो। क्या नाम है इनका? वामन अवतार। किसने करवाया वामन अवतार? किसने करवाया भाई? आप भागवत पढ़ते हैं? नहीं नहीं उनके पहले अदिति, अदिति माँ थी देवताओं की, उन्होंने वामन भगवान का अवतार करवाया कि आप पकड़ के हमारे बच्चों को आप राज्य दीजिए। इंद्र जो बढ़िया मुकुट कुट लगा के घूमते हैं, आज लुंगी पहन के घूम रहे हैं। दाढ़ी उनकी, उन्होंने शेव नहीं किया, परेशान है हमारे बच्चे। अग्नि बुझ गई है, यमराज का डंडा चोरी हो गया, भैंस भाग गई छोड़ के। आप आइए, यमराज भैंस में आते हैं ना, भैंसे पे आते, भैंस भाग गई। बहुत प्रार्थना किया, बताइए कौन सा व्रत किया उन्होंने? व्रत, पयोव्रत किया। व्रत करके उन्होंने वामन भगवान को प्रकट करवाया। प्रकट जन नहीं हुआ, जो हो प्रकट हो जाए। पर्दा बंद था, हट गया, ऐसा नहीं कि बाहर से, वो जो एक्टर थे प्रकट हो गए वहां में। भी पूरा नहीं हुआ, अब बलि आया। उनके गुरु ने कहा भाई भगवान विष्णु ने तुमको सारा ले लेंगे। बोले अगर भगवान है तो और अच्छी बात है, सब कुछ दे दिया उन्होंने। पदम शीर्षणी में कुरु, बोले तीसरा पद कहां है बलि? उन्होंने कहा 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा तुम बच्चे हो भाई, हमसे राज मांगो, हमसे सोना मांगो, हमसे चांदी मांगो, हमसे जमीन मांगो, और जानते क्या लिखा है? हमसे अपने लिए अच्छी लड़की मांगो। आप भागवत पढ़िए, अपने मन से नहीं बता रहे हैं सब। बोले हम तुम्हारे लिए इतनी अच्छी लड़की देंगे ब्रह्मचारी जी, आपको गृहस्थ बना देंगे, आप चिंता मत करना। लेकिन आपके 3 पग भूमि, 1-2-3, और भगवान वहां उपदेश देते हैं कि थोड़ा ही मांगना चाहिए। विष्णु भगवान ही ये सब कर सकते हैं, शिव जी होते तो चुपचाप खड़े रहते। जब शुरू किया उन्होंने, पहले पग में तो पृथ्वी गई, दूसरे पग में स्वर्ग में चले गए, ऊपर से ऐसे किया। और इतना डांटा है, आप पढ़िए भागवत ने, बोले तुम जो है चोर हो, बलि को बोला, तुम अपना वादा नहीं निभाते हो, तुम बोलते कुछ हो कहते कुछ हो, हमको तुमने दिया नहीं है, खूब उलाहना दिया। फिर बलि ने बोला कि तीसरा जो पग यहां डालिया, हमारा कोई 100 रुपये भी चोरी कर ले कितनी गुस्सा लगती है। उनका सब लूट गया, विश्वास देखिए। और उनके सर पे पैर रखा, बलि को बांध लिया गया, पाश में बांध लिया गया। बलि का विश्वास नहीं टूटा, काफ हो बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी उनके दादाजी थे, बोले भगवान दिस इज नॉट राइट। क्यों? हमारे बुलाने पे आप आए, आप इसके बिना बुलाए आए। दूसरी बात, आप हमको फोर्स करके कुछ मांगो मांगो, इसका सब छीन लिया आपने। तीसरी बात, हमारे के बाद आप चले गए लेकिन इसके बाद आप रुकेंगे। फिर बलि ने कहा सुनिए आप सब ले लीजिए, क्योंकि हमें पता है आप
आप लेके बहुत देंगे। जानते हैं क्या मांगा बलि ने? पाताल लोक में हम जाते हैं, हमारे वहां 9-10 दरवाजे हैं, हर दरवाजे पे आप खड़े रहिएगा। ये बनाया है ईश्वर को, चौकीदार बना दिया। एक बार रावण आया, उसने ऐसे कर दिया, उड़ गया कहीं पे पैर के टो से। आपके घर में मूर्ति होगी? हाँ तो बोलिए। कुछ बनी है, अलग हुई है कि नहीं जिस दिन से खरीद के लाए थे? यह सही है, जो आपकी मूर्ति घर में होगी, जो आप लाए हैं खरीद से कहीं से भी, अगर आप पूजा अर्चना करते होंगे तो मूर्ति अलग हो जाती है, उसका रूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है, आंख बदल जाती है, और तो छोड़िए मोटाई बदल जाती है। अगर आप ज़्यादा अच्छे से खिला रहे होंगे तो भगवान थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं, और अगर नहीं खिला रहे हैं तो एकदम ऐसे पिछड़े जाते हैं। वो आपको पता होगा। जो शरणागति है उसमें दो स्टेप्स हैं, हमारा विश्वास और ईश्वर के अंदर हमारे विश्वास के अनुसार कुछ बनने की इच्छा। अंतिम वराह अवतार कैसा हुआ? मनु जी आते हैं ब्रह्मा जी के पास, बोलते हम कहाँ अवतार लें? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ कैसे होगा, अरे हम कहाँ अपने परिवार को बसाएं, पृथ्वी नहीं है। हाँ कहाँ, क्या करें क्या करें? और भगवान ब्रह्मा जी के नाक से एक छोटा सा वराह का शिशु आया, पिगमेंट व्हाट वी कॉल, ऐसे आ गया, वो बढ़ता चला गया, तीसरे स्कंद में है। कच्छप अवतार जानते हैं कैसे हुआ? इन लोग मंदराचल लेके चले तो अंदर घुसने लगा, गिर गया, फिर देवता ने कहा बचाओ बचाओ विष्णु भगवान, तब भगवान कच्छप अवतार ले लिया। जानते हैं क्यों लिया? उनके पीछे इचिंग हो रही थी, बहुत दिन से खजलाहट हो रही थी, अब उन्होंने वो इचिंग के दूर करने के बाद कच्छप अवतार ले लिया। खजली हो रही थी थोड़ी सी, खुजली हो रही थी ऐसे, तो मंदराचल में उनकी जो खुजली हो रही थी वो दूर हो गई थोड़ी सी, वो खुजली अवतार है थोड़ा सा। तो हर अवतार के पीछे विश्वास है, संकल्प है। हाँ भाई, आपने कहीं तो विश्वास किया होगा। ठीक ठीक बोल दे, बुरा मत मानिएगा, वहीं से दुख निकला होगा। बोले आपसे गादी सोने नहीं देते, थोड़ा सा इतनी तेज बोलते हैं आप, अब जरा धीरे बोलिए जिससे हम सो सके। कहीं विश्वास किया होगा वहां से, आपने विश्वास तो किया ही होगा भाई, शादी होती विश्वास पर ही होती कि हम लोग साथ जिंदगी भर रहेंगे, जिंदगी भर साथ रहेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ऐसा होता है क्या? साथ जिएंगे अच्छा, और साथ मरेंगे भी, एक मरता दूसरा जिंदा रहता है, कहां कहां साथ मरते हैं। वो अपने रास्ते गया, वेट थोड़ी ना करेगा बाहर दरवाजे की, आ रही हो तुम भी प्राण छोड़ो, साथ साथ हम लोग कहीं दूसरी योनि में जाएंगे, ट्विंस की तरह पैदा होंगे, ये तो नहीं होगा। साथ जिएंगे, विश्वासी तो था ये, मेरा बच्चा ना बहुत सुख देगा, अच्छा विश्वासी तो था, दिया। विश्वासी तो ना पैसे से बहुत सुख आएगा, शरीर के स्तर पे लग्जरी आ जाएगी थोड़ी सी, एक दो शब्द बोले सुख सुविधा, सुविधा आ जाएगी, सुख नहीं। पैसे से राग द्वेष नहीं जाएगा, अहंकार नहीं जाएगा, क्रोध नहीं जाएगा, काम नहीं जाएगा, बहुत अच्छी जगह आप रुक सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रेवलिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा गद्दा हो सकता है, लेकिन सुख अंदर की चीज है। विश्वास नहीं किया, बहुतों पर विश्वास किया, कर लीजिए आप, और आप हमको बताइएगा कितना सुख मिलेगा उस विश्वास के बाद। कहीं भी संसार में आपने विश्वास किया होगा, वहां से आपको धीरे धीरे से चिंता और दुख निकलेगी, आप हमारी बात मान लीजिएगा। एक ही जगह है जहां विश्वास के बाद सुख निकलता है, उसका नाम ईश्वर है।
और हमने अपने विश्वास को इतना फेंक के रखा है, उन पे डाल दिया, उन पे डाल दिया, बोले हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, हमको तो यही लगता है कब ये साथ छोड़ देगा। कोई प्रशंसा कर दे, डर लगता है पता नहीं कब बुराई करना शुरू कर दे। किसी की तारीफ सुन के इतना डर लगता है, बाप रे पता नहीं कब बदल जाए। कितने लोग तो हमसे कहते हैं हम आपके बिना नहीं रहेंगे, हाँ, और जब हम जाते हैं किसी जगह से सब ऐसे ऐसे कर देते, कोई नहीं हमारे साथ जाता। क्यों भाई चलिएगा? इसका मतलब जानते हैं ना, मत आना। और ये तो ऐसे करते हैं, मतलब बस कहाँ है आपकी तकलीफ में, कौन कहाँ है? विश्वास तो बहुत किया था ना। कर पैसे पे कर लीजिएगा पैसे पे, बढ़िया रिजॉर्ट पे होइएगा, पैसा ज्यादा है क्या करिएगा, क्रूज पे चले जाइएगा, शिप स्क्रू ढीला यहां है जा रहे हैं क्रूज पे। बहुत अच्छा डिनर ले लीजिएगा ना आप, गए 5-star होटल में, वो बड़ा सा है, भले टोपी पे लगा के आया, बढ़िया म्यूजिक व्यूजिक बज रही है, ठीक है, आप 1 घंटा तो बैठे वेट ही करेंगे, उसको मिल गया, हमको नहीं मिला खाना, थोड़ी सी फिर आए, बड़ी सी प्लेट आई और एक डोंगा, उसका ढका हुआ डोंगा था, हमने बड़े, और 10-5 तो छुरी चम्मच और चक्कू था उसमें, एक चम्मच से काम जाता, 10-10 रखा, यहाँ एक चम्मच, यहाँ चक्कू, यहाँ चक्कू, यहाँ चम्मच, यहाँ चक्कू, यहाँ छुरी, छोटी छुरी, ऐसे हमने हटाया उस डोंगे को। इतना छोटा समोसा और पुदीने की एक पत्ती मिंट मारेंगे तुमको पकड़ के, इतना प्राइस इतनी ज्यादा है, ठीक ठाक देते घर की तरह, इतना छोटा समोसा तो 2-4 सजावट पुदीने की लगा दिया उसने, हम चम्मच से खाएंगे चक्कू से खाएं, हम खूब रह चुके हैं, हम जा चुके हैं, कोई सुख नहीं रहता, सुविधा है मेरे को, धक्का नहीं लगेगा आपको, हाँ, जैसे फ्लाइट में ट्रेन धक्का लगता ना जनरल में, ए भाई साहब चक चक चक, यहाँ लग धक्का ना, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे धक्का नहीं लगेगा आपको फ्लाइट में, हाँ भाई फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करें, बिजनेस में धक्का नहीं लग रहा है, और यहाँ तो गए पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बस में, बगल वाला सो गया हमारे सर पे, हमारे कंधे पे सर पे रख के, मतलब तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना से सिवा तुम्हारी, वो तो सो गया, सुख नहीं है। किसी संबंध से जो आप चाहते हैं वो संबंध आपको वो नहीं देगा, विश्वास तो करा होगा। नहीं मिलेगा, करके देख लेना, कहीं से आप खूब प्यार करके देख लो, एक बात करो ना, 20 साल गवा दो, दिल दे दो, किडनी दे दो, लीवर दे दो, सब दे दो, दिली क्यों दो भाई, बाकी क्यों छोड़ो, वाइटल ऑर्गन को आप सब दे दो, और हमको 20 साल बाद बताना अगर मिले तो, विश्वास किया था ना उस पे ना, अरे माता छोड़ देती है, पिता छोड़ देते हैं, आज हम परेशान है, मेरी मां चाहिए हमको, नहीं है, हमें कष्ट आज हमारे पिता चाहिए, नहीं है, कहां है आपके माता पिता? हाँ,
मामेव ये प्रपद्यन्ते। जानते हैं भगवान कहते हैं, पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकारः ऋक्साम यजुरेव च। बोले हम ही तुम्हारे माता हैं, हम ही तुम्हारे पिता हैं। इसीलिए आप क्या बोलते हैं, त्वम एव माता, तुम अपी नहीं बोलते। बोले आप ही मेरी माँ हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरे पैसे हैं, आप ही मेरे बंधु हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। कोई नहीं है आपका। भ्रम में नहीं डालना चाहिए अपने मन को ज्यादा। सारा दुख मतलब आपका कोई भ्रम टूट गया। जो ख्याली पुलाव बना हुआ था ना, टूट गया कोई इंप्रेशन, कुछ और था, एक्सप्रेशन कुछ और ही हो गया। बोले इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, ऐसा होगा नहीं सोचे थे। अच्छा, ऐसा सपने भी नहीं सोचे थे। अच्छा, बहुत कुछ होगा। अभी जिंदगी ऐसे नहीं बीतेगी, अभी और इवेंट आएगा। उसके उस एक पिक्चर बनाई जाए अपनी फिल्म की, उसके विलेन हम ही रहेंगे, हीरो नहीं। अपना नुकसान हम ही नहीं कर दिया। अगर हमारे में विश्वास है, ध्यान दीजिएगा, जितना विश्वास होगा वो आपके मन में अवतार होना चाहिए। लोग बोलते हैं अवतार का क्या प्रूफ है, हमने कहा पहले वेष्टि में प्रूफ देखो, फिर समष्टि में आएंगे हम। आपके मन में जब जग हमने ईश्वर को रो के बुलाया है, ईश्वर आया है। आया है कहाँ पे? मन में। हम बाहर नहीं अवतार करा पाए, लेकिन मन में आ गया था वो। सोते सोते रोते रोते एक दिन सो रहे थे तो हमारे गाल पे उसने हाथ रख के हमारे आंसू पोंछे थे। माँ की तरह हमारे पास उसने दिया था। एक दिन भूख लगी थी तो उसने किसी को भेज के खाना खिलवाया था। आपके मन में, आपकी परिस्थिति में ईश्वर का अवतार होता है। वो अवतार मतलब आपके विश्वास को देख के, आपके संकल्प को देख के। अर्जुन ने क्या करवा दिया बताइए? सारथी बनवा दिया उनको। अर्जुन ने भगवान को सारथी बना दिया। जानते क्या होता था, जब लड़ाई करते थे कई बार अर्जुन गिर पड़ते थे, उनके ऊपर पैर लग जाता था, लड़ते थे और पैर लग गया भगवान पे। और यहां तक अर्जुन ने ऑर्डर दिया पहले अध्याय में, जानते क्या बोला, गैर मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। और बोलते रथम स्थापया मे चुत, बोले हमारा रथ स्थापित करो, ऑर्डर दिया। स्थापया लोट लकार है, इंपेरेटिव मोड है। रथम स्थापया रथ, ऐसे नहीं बोला कि अगर आपकी इच्छा हो हे भगवान रथ को स्थापित करें, ऐसे नहीं बोले। रथम स्थापया मे अच्युत, भगवान ने कहा अच्युत क्यों बोला, तुम गिरते नहीं हो इसलिए अच्युत बोल रहे हैं तुमको। वो नहीं बने, यशोदा का दूध पुण्य वाले भगवान नहीं बने। कली बात हो रही थी यशोदा जी की, अगर आपको याद हो, मधुमंगल के दोस्त नहीं बने। अगर देखो, अगर बनेंगे नहीं तो फिर हमारा काम कैसे होगा? ये निर्गुण निराकार तो निकम्मा है। स्वामी खंडानंद जी बोलते निर्गुण निराकार निकम्मा है, कुछ करते ही नहीं। हमें कोई करने वाला भगवान चाहिए, हमारे लिए चाहिए, और कोई नहीं करेगा। कुछ तो कोई करता है ना, करता है। समस्या क्या होती है, आप विश्वास करोगे, आप मेंटली लीन ऑन करोगे, आप आशा करोगे, आप एक्सपेक्टेशन करोगे, और फिर वहां से आपको कुछ खास मिलेगा नहीं, आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होगी। अच्छा, कोई है माता पिता जो बोल दे हमारे सन हमारे बेटे ने हमारी सारी अपेक्षा पूरी कर दी? कोई पति है जो बोले हमारी पत्नी ने सारी अपेक्षा पूरी कर दी? हो तो हाथ उठाइएगा बाद में, यहां तो आप उठा लेंगे डर के मारे, क्योंकि वो भी आई हैं।
कोई पत्नी है जो बोले हमारे पति ने सारी अपेक्षा पूरी कर दी। जैसा सोचा था वैसा नहीं निकला, फिर कुछ और ही हो गया। एक भगवान है, आपने सोचा था कि आपको ये सुनना है? हमने नहीं सोचा था कि बचपन में हम बोलेंगे, हमने नहीं सोचा कि हम ये सब रामायण वगैरह भी पढ़ेंगे। जो सोचा था कुछ और ही हुआ, अच्छा हुआ। शरणागति मतलब हमारे विश्वास और उसके अनुग्रह का संगम। हमें पिघलने वाला ईश्वर चाहिए जी, हाँ, जो पिघला हुआ ईश्वर हो, अच्छा हाँ, जो हमारे साथ रहे, जो हमसे बात करे, जो हमारे आंसू पोछे, जो हमको हंसा दे, जो हमको ज्ञान दे दे। बताइए, महाभारत में कोई गीता का समय था? बेसमय बात हो रही थी सारी, इन लोग सब खड़े थे चुपचाप, हाथी घोड़ा लेकर, हाथी घोड़ा लेकर सब खड़े हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, और यहां गीता में बात हो रही है, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से। बोले एक बात बताइए भगवान। बोले क्या बताएं बताएं। बोले जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनानता तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव व्यामी शेणे वाक्यन बुद्धि मोयसी में। और वहां भगवान उत्तर दे रहे हैं, बोले श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्यसना देव सिद्धिम नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत यते ह्यवशक कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ज्ञास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। उधर हाथी ऐसे से कर रहा होगा, घोड़ा ऐसे से कर रहा होगा, इन लोग अपना तलवार जो बाहर निकल से अंदर रख लिए होंगे। अरे भाई, चांटिंग में 3-4 घंटे लग जाते हैं। अगर आप लोग करते हो, गीता पारायण होता है ना, 3 घंटे तो लग जाता है। भगवान तो और पॉज डोले के बोल रहे थे, लगातार नहीं बोला था उन्होंने, चुप हो जाते थे बीच में, फिर अर्जुन की तरफ देखते थे, डांट के बोलते थे। कोई श्लोक डांट के बोला है, कोई प्यार से बोला है, एक लाइन में नहीं बोला था। जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं, बोले लब्बे मस्मा गम पार्था नहीं तत्व बदतेन हाँ क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्व तिष्ठ परंतम, ऐसे बोला था। और सर्वधर्मान परित्यज, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन ने कहा अच्छा हाँ ओ, फिर बोला था अहम त्वा सर्पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि। अर्जुन दुखी हो गए, बोले मा शुचः, तो उसमें काफी टाइम लगा होगा। सब खड़े थे अर्जुन ने भगवान को गुरु बनाया, यशोदा जी ने माँ बेटा बना दिया, देवताओं ने दुर्गा माँ को भगवान को माँ बना दिया। बताइए, दुर्गा माँ तो वो तो शक्ति बाद में बनी, पहले बड़ी सी बड़ा सा पिंड प्रकट हुआ, फिर उसमें पूरी एक देवी आई ऐसे, फिर उनके पास धनुष आया, वाण आया, तलवार आया, उनकी आंख बड़ी बड़ी हो गई, उनके बाल खुल गए, काली माँ निकल आई, और ये सब ऐसे हाथ जोड़ के खड़े थे। बस एक निर्गुण निराकार को उन्होंने शक्ति बना दिया। बलि ने अपने सामने आंख के सामने वाला बना दिया, प्रहलाद ने नरसिंह भगवान बना दिया, अच्छा यशोदा मीन शबरी ने भूखा बना दिया, केवट ने लाचार बना दिया। भगवान को बोलना पड़ा, अरे केवट, ए केवट,
जो पूरी सृष्टि बना सकता है वो तो एक नाव चाह रहा था बेचारा। मागी नावन केवट आना कहई तुम्हार बचन मरम में जाना। बोले हम नहीं आएंगे आपके चरण के रज में, पता नहीं क्या है पत्थर को छू दिया स्त्री बन जाती है, ये पत्थर से कोमल हमारी नाव है, अगर इसको एक और स्त्री बन गई यही प्रतिपालो सब परिवारों एक स्त्री घर में है। दो स्त्री हो जाएंगी, अब आप ही सोचिए अपने जीवन में, नो कमेंट्री रिक्वायर्ड। किसी ने कहा भगवान कृष्ण के 16,108, हमने कहा इसीलिए भगवान थे वो, जो 16,108 स्त्रियों के साथ रह ले वो भगवान ही होगा, सबसे बड़ा प्रूफ यही है। और उसमें असंग रहे, कभी परेशान नहीं होते थे स्त्रियों से, दुखी भी नहीं होते थे, सुखी भी नहीं होते थे। हाँ, ईश्वर को केवट ने बिचारा बना दिया, शबरी ने भूखा बना दिया, और सुनिएगा विश्वामित्र ने अपना शिष्य बना दिया। गुरुपद कमल पलोटन प्रीते ते दो बंधु प्रेम जनु जीते। भगवान राम पैर दबाते थे उनका, पीछे चलते थे, आपने क्या बनाया? बोलिएगा शरणागति मतलब भगवान बस हमारे पास एक बल है, निस्वार्थ सरल विश्वास आप पे और कहीं नहीं। जीव के पास फिर से बोल देते हैं, शरीर में तो कुछ बले नहीं है ना, थोड़ा सा एसी तेज हो गया, क्या हुआ? बहुत ठंडी लग रही है यार। गर्म हो गया तो गर्मी आ गई, थोड़ा सा भागे हाँफने लगे, जानवर अच्छे हैं ना, हाँफते भागता है तो चीता जो भागता है, जमीन में सो नहीं सकते, कुत्ता बिल्ली सब जमीन में सो रहे हैं आराम से। कपड़ा कुछ कम हो गया तो प्रॉब्लम, ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम, ज्यादा के बाल कटवाना पड़ गया, डॉग तो नहीं बाल कटवाते, शेर तो नहीं बाल कटवाता। हमारे पास शरीर में कोई बल नहीं है, उठने में प्रॉब्लम, बैठने की समस्या, 40-50 के बाद उठना बैठना प्रोजेक्ट हो जाता है। उठे बोले उठ रहे हैं, धीरे धीरे उठे धीरे, उठ रहे हैं, उठ आ रहे हैं, आने दो धीरे धीरे, ये पैर ऐसे करते हैं, ये अपना बल है, परिवार का बल है, कोई मतलब यार किसके खाए पिए किसके। जीव के पास एक बल है, हमारी बात सुनेगा, वो अपने निस्वार्थता से, निस्वार्थ जहां व्यक्ति होता है बहुत बलशाली हो जाता है। एक गुरु थे, उनके पास एक शिष्य आया, उसका नाम था आरुणी। 5 साल पढ़ाए बच्चों को, सब बच्चे जाने लगे, बोले आरुणी तुम यही रुको, कहें जो आ गया गुरुदेव। कहा सुनो ये गाय है ना, गाय गाय है, इसको जरा चारा खिलाया करो। जो आ गया गुरुदेव। ऐसे चारा खिलाए, मक्खी हटाए गाय पे, दूसरा बैच आया, 5 साल वो बीत गया, चले गए, तीसरा आया वो बीत गई, ये गाय को ही ठीक करते थे, 90-80 साल हो गए यही करते करते, बाल सफेद हो गए। एक दिन गोबर उठाया ऐसे, बाल नीचे गिरा, ऐसे खींचा देखा सफेद सफेद बाल हो गए, शीशा भी नहीं देख पाते थे। गुरु के पास दौड़े दौड़े गए, कहे गुरुदेव, रोने लगे, हमसे जो बाद में पढ़े थे सब विद्वान हो गए, ज्ञानी हो गए, हमें ज्ञान नहीं हुआ। कहा बेटा तुम किस लिए यहां रुके थे? कहा बस इसलिए कि आपको प्रसन्न करें,
और हम मर जाएं, हम खुश रहें, आप खुश हो जाएं। काम को क्या मानते हो बेटा? कहा आप हमारे शिव हैं, आप हमारे ब्रह्मा हैं, आप हमारे विष्णु हैं, हमारा और कोई भगवान नहीं। गुरुन का अरुणी इधर आओ। आग बंद किया, उनके ऊपर हाथ रखा, कहा हमारे सारी शक्ति इसमें जाए। आरुणि वेद मंत्र बोलने लगे और ऋषि हो गए। जहां कोई व्यक्ति विनम्र होता है, निस्वार्थ होता है और अपने आप को देता है किसी बड़े के लिए, वो बहुत मजबूत हो जाता है। उसके पास ईश्वर की, ब्रह्मांड की सारी शक्ति प्रवेश हो जाती है। ठीक है ना? हाँ तो बोलिए आप। जहां आप स्वार्थी बनेंगे, जहां आप कामना वाले बनेंगे, जहां आपके अपने अपने प्रोजेक्ट रहेंगे, ईश्वर की मदद वहां से चली जाती है। अब आपको अपना जीवन ढोना पड़ेगा। इतना बड़ा जानते हैं मिशन कहां से शुरू हुआ है? गुरुदेव की शरणागति से। पैसे से नहीं, ना लोगों से। उन्होंने, उनकी शरणागति का प्रतीक है ये, उन्होंने बनाया है। गुरुदेव ने कहा हमारा मन नहीं था कि इतना कुछ बड़ा बने, बोलते थे गुरुदेव। हमने अपने आप को, जहां आपने अपनी पर्सनल कामना रखी, पर्सनल इच्छा रखी, बस ईश्वर आपके जीवन से विड्रॉ कर लेगा और आपको हर एक स्टेप पे प्रॉब्लम आएगी। एवरी स्टेप यू विल हैव टू स्ट्रगल। जो काम ऐसे ऐसे होता था, अब आपको बहुत मेहनत लगेगी। और हटाओ आप, उसका अवतार होना पड़ेगा हमारे बुद्धि में, हमारे मन में। जानती क्या भगवान ने बोला गीता में? मई एव मन आधत्स्व, फिर एव लगा दिया। बोले सुनो अर्जुन, हमसे ही प्रेम करो। हमसे ही मतलब हमारे बारे में, हमसे ही तुम, हम कोई मेरा मानो। प्रेम मतलब मेरा मानना, मेरे तो गिरधर गोपाल नहीं, दूसरों ना कोई। ये बहुत इंपॉर्टेंट। शरणागति सिद्ध करना होगा, हमारा प्रोजेक्ट है ये। माम एव ये प्रपद्यन्ते, हम हमारे आप ही हैं। नहीं, हमारे आप ही रहेंगे, आप ही आएंगे जिस समय हमें जरूरत पड़ेगी। अंतिम समय में आप ही हमारे सामने नाम बनकर आ जाना। भगवान भगवान, हे भगवान। हाँ जी, हमारा जब अंतिम समय होगा, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, श्री वृंदावन का तट हो या फिर बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। बोलिएगा जरा, बोलते रहिए मनी मन, तुम ही हो मेरे, तुम ही मेरे। आओ, जब आप जप करने बैठिए ना, ऐसे नहीं करिएगा। बोलिए भगवान अवतार लो, तुम ही करोगे और तुम ही वहां खुश हो गए हमसे। भगवान एक, काना कन्हैया, हे शिव भगवान, हे राम भगवान, हे दुर्गा माँ, कहाँ चली गई मेरी मैया? अवतार लो, हमसे नहीं होगा। पूजा करते हैं ना, भगवान
भाव लाओ, आप रोज बोलते रहिए, कभी न कभी हो दया आएगी उनको कभी ना कभी, दास पाएगा दर्शन कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम डरते रहो। रोज बोलिएगा ना, कभी ना तो आएंगे ना। आप अकेले क्यों जप करते हैं, अकेले क्यों पूजा करते हैं? ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। क्यों कल किया आपने अकेले? वो नहीं थे क्या? हमें बहुत जरूरत है भगवान। भाव नहीं आता स्वामी जी। अच्छा, जब करते हैं मैकेनिकल जब करते हैं। अच्छा, श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जगजीवन राम हम बोल जाते हैं। श्री राम जय राम, जय जगजीवन राम बोल जाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज के जगह चरण सिंह बोल जाते हैं। मतलब देखो, तुम अजीब से आदमी है यार। मेरे प्यारे, जब आप जप करो, पूजा करो, परिक्रमा करो, कितने बार गोवर्धन जी की परिक्रमा करती हैं, करवाया भगवान ने हमसे, कितनी बार लगा आप नहीं चल पाएंगे, बहुत थक गए, दर्द हो रहा है, अभी आधी भी नहीं हुई है। बैठ जाते थे, गोवर्धन जी की तरफ देखते थे, भगवान आओ आज पदा उतार लो, हमारे पैर पे आके चलो, आप हमसे नहीं चला जा रहा है भगवान, हमारा अभ्यास नहीं है। जो उसके बाद स्पीड आती थी, आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर सोचता रहता है शायद हमको बुलाया हो, शायद हमको बुलाया। आपको पता है बचपन में एक बार क्या हुआ, हमारे घर में बगल में किसी की शादी थी और उन्होंने कहा हम आपका ही लोन ले लेंगे, तो हमारा लोन ले लिया हमारे घर वालों के लोन, हम लोग को इनवाइट ही नहीं किया। हमने अपने पिताजी, हमारे दादाजी थे, हम आखिरी समय तक सोचे भाई 5 बजे आने वाली शादी, कम से कम हम तो तैयार वार हो गए बैठे थे कि अब बुला, लास्ट मोमेंट में भी तो रेडी है हम। खिड़की से बार बार झांके, बारात आ गई, लड़के आ गए, लड़के आ गए, दुल्हन आ गए, दुल्हनी आ गई, सब आ गए, कैटर्स आ गए, बढ़िया पनीर पुलाव सब, पापड़, ये सब जो स्मेल उसकी जो सुगंध फैली, हम पूरा अपना रेडी, खिड़की से झांक के अब बुला लेंगे, तब बुला लेंगे, घर वाले कहीं नहीं बोले तो मत जाओ ना, हमने कहा भूल गए होंगे, चले जाते हैं भाई, मिस्टेक हो गया होगा ऐसे। और आपको पता है नहीं बुलाया उन्होंने, पता नहीं सच में भूल गए होंगे भाई। ऐसा ही ईश्वर भी, जब आप कर्म करते हैं, जब आप भोग करते हैं, जब आप संबंध बनाते हैं, वो तैयार होके खड़ा रहता, उसको लगता है शायद अब बुला लेंगे। ये खाना खाने जा रहा है, हमको भी कुछ बुलाएगा, देखो हमारा कीर्तन तो कर रहा है लेकिन देखो इसका ध्यान हमको नहीं बुला रहा है, खुद हम इसको थका देंगे, इसको थका देंगे हम, कीर्तन नहीं करने देंगे देर तक। बहुत देर तक जप नहीं करने देंगे, इसकी पूजा हम बंद करवा देंगे, ये हमको नहीं बुलाया, इसकी पूजा हम बंद करवा देंगे, देखते हैं हम हमारी पूजा कैसे करता है।
ईश्वर देख रहा है, आपने अवतार नहीं करवाया। फिर हमको भी लगा देखते हैं अगली बार शादी कैसे होती। कई लोगों की पूजा बंद करवा दिया उन्होंने, कई लोगों का पाठ बंद करवा देते, आपने बुलाया नहीं उनको। आपको पता है बैद्यनाथ धाम जो है कैसे बना, शॉर्ट में बताते हैं उसकी कहानी है। रावण ने शिव जी से कहा आप शिवलिंग दे दीजिए, आप लंका में विहार करिए। भगवान जी को पसंद नहीं था कि बड़े अहंकार था भाई, शिवलिंग जाकर परेशान करेगा हमको भी सबको। बिहार में जब वैद्यनाथ के पास गए, बोले एक ही शर्त है रावण, जमीन पे मत रखना। बोले हाँ हाँ। जब ये रावण महाराज गए, बोल दें कि छोड़ दें, अब इनका जो है को बाथरूम ले जाना। हाँ पुराण में लिखा, शिव पुराण में लिखा, हम नहीं बोल रहे अपनी तरफ से। तो थोड़ी देर तक तुमने अवॉइड किया, थोड़ा सा टॉलरेट कर लिया। एक टाइम आ गया इनटॉलरेबल हो गया, अभी अब तो हमें देना ही है किसी को, जो प्रेशर बढ़ा उनका। बेचारे राम, एक किसी को दिया, एक गोप को दिया, उसने कहा जमीन मत रखना, हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। एक घंटे तक बाथरूम ही करते रहे। अब ये तो लड़का था, इतना भारी हो गया वहीं छोड़ दिया उसने, नहीं उठाया जाता, वो भाग गया, वो विष्णु भगवान थे। जिस क्यों आपने अभिमान के साथ हमको उठाने की कोशिश किया, तुम अभिमान के साथ जप कर रहे थे ना, तो अभिमान के साथ पूजा कर रहे थे, हम बंद करवाते हैं तुम्हारी पूजा। सालों बीत जाएंगे, तुम्हारी मूर्ति नहीं, तुम भगवान का कपड़ा तक नहीं बदल पाओगे। तुमने अपने संबंध में, अपने प्रेम में हमको क्यों नहीं बुलाया, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारा जीवन हमने बनाया है, तुम्हारे माता पिता हमने बनाए हैं, तुम हमको मत छोड़ के चलो। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, हम ही सारे यज्ञ के हम ही हेड हैं, हम ही भोक्ता हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, हम ही सारे यज्ञ के भोक्ता हैं। जो दूसरे को तुम देते हो उसके भोक्ता हम हैं, जो तुम तपस्या करते हो उसके भोक्ता हम हैं। इसको जानो और हमको बुलाओ, इसका नाम शरणागति होता है। हमको पिघलाओ, हमको भगा दो, हमको पास बुलाओ, ऐसा करो कि हम भागे आए। भगवान राम जब पैदा हो रहे थे ना तो हंस रहे थे। कौशल्या ने कहा कि आप हंस रहे हैं, लोग बच्चे तो पैदा होते हैं रोते हैं, आप हंस रहे हैं तो लोग सोचेंगे कैसा है ये। कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। जो रोए उसके बाद रोने वाला भगवान बनाया माने, बोले अब माँ हैं हम आपके, रोने लगे। जब तक हमारा पर्सनल ईश्वर नहीं बनेगा ना, हमको जो जाने पहचाने प्यार दे, हमारे सारे काम को ठीक करे, बुद्धि ठीक करे, मन ठीक करे, आपकी समस्या नहीं पाएगी। मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया मतलब संसार में आसक्ति, संसार में सुख बुद्धि, संसार में महत्व बुद्धि, द्वेष राग काम क्रोध, यही सब माया का परिवार है। आप जानते हैं कि वो नहीं बदला, फिर भी आप मांगते हैं। पता है गुस्से से काम नहीं होगा, फिर भी गुस्सा आता है। पता है काम से क्रोध आएगा, काम से दुख निकलेगा, फिर भी काम आता है। आसक्ति से दुख है, फिर भी आसक्ति है, इसी का नाम माया है। समय पूरा हुआ हमारा, कल अंतिम दिवस है अपने जीवन का, नहीं यज्ञ का। तो भगवान इस मिशन को संभालेंगे, संभाल ले हैं। चिन्मय मिशन मडगांव, चिन्मय मिशन गोवा, तो भगवान का वही निर्वाहक है, वही प्रेरक है। हमारे आप से कुछ नहीं होने वाला है। गुरुदेव ने परंपरा डाली, उन्होंने कहा भाई
आप ईश्वर को कुछ दे देना जिससे कि श्रवण फलीभूत हो जाए। हाँ, जो आपकी राशि आएगी मिशन में जाएगी, लेकिन आपके नहीं देने पे भी मिशन अच्छे से चलता है, हमारे नहीं आने पे भी मिशन चलता रहेगा, क्योंकि उसका संकल्प है। लेकिन हम कृतज्ञ रहें भगवान के। तो आप लोग अपना नाम भर दीजिएगा जिससे आपको कॉन्टैक्ट किया जा सके और यहाँ पे मिशन का काम अच्छे से चले। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आरती करेंगे। हरिओम। आई ची आमची आरती यजमान असतात श्रीमती सुषमा खांडेपरकर जी आणि प्रडेन्शिया डेव्हलपर्स यांच्या वतीन श्रीमती भगवती भट। हांव तांचे लागी मागता तांणी आरती करपाक माचेर येवचे। तशेंच फाल्यां यज्ञाचो शेवटचो दीस, फाल्यां 6 ते 6:30 मेरेन पुज्य स्वामी सुघोषानंदजीची भजनाची कार्यावळ जातली। तुम्ही सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन हाजीर रावचे आणि फाल्यां गुरुदक्षिणा कार्यक्रमा उपरांत सगळ्यां खातीर महाप्रसादाचे आयोजन केल्ले आसा। तुम्ही सगळ्यांनी महाप्रसादाचो लाभ घेवचो। आता आमच्या चिन्मय कृष्ण आश्रमातल्या फुडल्या कार्यावळीविषयी सांगता। 23 जानेवारी ते 28 जानेवारी मेरेन शिव महिमा स्तोत्र पठण आसतलें सांजचे 5 ते 6 वरां हांचे भितर। 25 जानेवारीक गणेश जयंती साजरी जातली आणि 26 जानेवारीक प्रजासत्ताक दिना निमतान शालेय भुरग्यां खातीर पेट्रोटीक सॉंग्स कॉम्पिटिशन आसतलें। फेब्रुवारी महिन्यात 8 ते 14 मेरेन आचार्य विवेकजी हांचे रामचरित मानसाचेर हिंदीतल्यान चिन्मय कृष्ण आश्रमांत प्रवचनां जातलीं। 16 फेब्रुवारीक आश्रमाचो वर्धापन दीस आसतलो आणि त्या निमतान गीता हवन जातलें। 18 फेब्रुवारीक महाशिवरात्री साजरी जातली। तुम्ही सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक मोठ्या संख्येन हाजीर रावचे। हरिओम। ओम जय भगवद्गीते मैया जय भगवद्गीते हरि हिय कमल विहारिणी हरि हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनी शक्ति हरा मैया काम शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवद्गीते निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल हारी मैया शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवद्गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवद गीते दया सुदावर सावनी मातु कृपा की हरि पद प्रेम
दान कर गीते मैया जय भगवद गीते हरि हिय कमल विहारिणी हरि हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते। बोलिए श्री गीता मैया की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती बदे हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो।